बसा इन्हें आँखियों में तेरा कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं हो गया मैं तू ही तू रंग तूने कैसा है चढ़ाया सुन यारा क्या आपके ख्याल में इमरजेंसी थी? मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहा हूँ। तुम देख नहीं रहे हो बेटा, दर्द के मारे उसका चेहरा जर्द पड़ गया है। अरे देखो कहीं हड्डी वड्डी तो नहीं चिटक गई उसकी। यहाँ पे हिना भी ने बस वो बहुत फोर्स कर रही थी मुझे, कह रही थी कि मैं आपको अपने चार्मिंग मामा से मिलवाती हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके। सुन यारा इतनी जल्दी तो लाली को भी नहीं है जितनी आपको हो रही है बाहर पहुँचने की। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, बेख्याली में पता नहीं लगा। अच्छा, इसीलिए आपको कह रहा था कि अगर आप 2-3 डिप्लोमास कर लेती तो अकल और आंखें दोनों खुल जाती हैं। मिस्टर, अगर आप लाली के भाई नहीं होते ना तो इस तंज का मैं बहुत अच्छी तरह जवाब देती। चले फर्ज कर लेते हैं कि मैं फिलहाल लाली का भाई नहीं, फिर आप क्या करती हैं? क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, इसे पकड़ना कहते हैं। क्या मतलब? मतलब मौका पकड़ना। मैंने मौका पकड़ के इतना हसीन मंजर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। अब मेरा मोबाइल भी क्या करे, जब भी हसीन मंजर देखता है इसका कैमरा खुद बहुत ऑन हो जाता है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा कैमरा भी बिल्कुल बेलगाम है। अरे रोशाने, बात तो सुनो। मोहब्बत से रोक लेना चाहिए था। मोहब्बत तो है ना, किसी का दिल रखने में कुछ खर्च नहीं होता। बात खर्च की नहीं है, हर्फ की है, और झूठ बोलने में हर्फ आता है। कमर तस्बीह पढ़ते जा रहे हो मैं खाने, कोई देखे तो समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। आपकी सच्चाई को सलाम। कुछ तो गड़बड़ है भाई।
कर दे रस्ते चलना नी सौखा करके वफावा लबदाए धोखा हाँ जुआंच डूब गए जख्म ये सारे दर्द शकदा सहना है औखा सुन यारा तेरे इश्क दा झोला पाया सुन यारा तेरे इश्क दा झोला पाया यार किधर है मेरा इसके नीचे तो नहीं है इसके नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा एयरिंग नहीं मिल रहा पता नहीं कहाँ गया गुम गया है कहीं पे इन चीजों का ख्याल रखा करो इस तरह चीजें घुमाती रहोगे तो क्या बनेगा अच्छा बस हर वक्त लेक्चर ना दिया करें आप मुझे घर में ही होगा मिल जाएगा प्यारी लग रही हो लाली थैंक यू वाओ बहुत प्यारा है ये थैंक यू हो सकता है शुरू में तुम्हें इस घर से कुछ सरदर्दियों का सामना हो बात दरअसल यूं है कि अम्मा साइमा की नंद से मेरी शादी करवाना चाहती हूं और उस सूरत में उनके देवर हारून से तानिया की शादी हो जाती मगर हुआ कुछ यूं लाला रुख साहिबा कि हम आप पर दिलो जान फिदा कर बैठे और साइमा का प्लान खाक में मिल गया अम्मा का गुस्सा वक्त ही होता है हाँ साइमा कुछ दिन उखड़ी उखड़ी रहेंगी मगर तुम दिल पर मत लेना उन्हें कौन सा रोज आना है यहाँ दरअसल अब्बा की डेथ के बाद माँ कुछ चिड़चिड़ी सी होकर रह गई हैं तुम उनका हर हुक्म सर आंखों पर रखना समझना कि उनका गुस्सा
ڈھانٹ ڈپٹ اور تمام فیصلے اس گھر اور گھر والوں کی بہتری کے لیے. جی مجھے یقین ہے تم ان کا دل جیت لو گی. کم از کم کوشش تو پوری کروں گی میں. مجھے یقین ہے تم پر, ہماری شادی پر. I'm so sorry. I'm so sorry. Light chal rahi thi, maine socha shayad kitchen mein hina hogi. Chai peene ka dil kar raha tha. I'm really very sorry for this. वैसे क्या आपको मेरी शक्ल इतनी ड्रॉनी लगती है कि आप मुझे देख के इतना डर गए? नहीं वो बात नहीं है, मैं अपने किसी ख्याल में गुम थी. वैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक बात नहीं है कि आप किचन में काम करते हुए कुछ और सोच रही थी? आई मीन कोई हादसा भी हो सकता है. आई एम सॉरी, अब आप ये कहेंगे कि मैं हर चीज को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखता हूँ. आपकी भी मजबूरी है, डॉक्टर जो ठहरे. इंसानी रवैयों, एहसासात और कैफियत को डॉक्टर की नजर से नहीं देखेंगे तो फिर और क्या करेंगे आप अपने रूम में जाएं, मैं चाय भेज देती हूँ. थैंक यू, लेकिन प्लीज तीन कप आफाक और खुरम मेरे रूम में है. Sorry for this. सैफी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको मेरे घर वाले कैसे लगे? भाई मुझे लोगों की इस तरह पहचान नहीं, अच्छे ही होंगे. साफ साफ कहे ना कि आप उनके बारे में कोई राय देना ही नहीं चाहते. हाँ यही समझ लो. वैसे हमारे रिश्ते को इतना अरसा तो हुआ नहीं कि मैं कोई राय कायम कर लूँ, और आपको अभी इधर बैठे बैठे क्या सूझी? आप सीधी तरह कहें कि मैके की तारीफ सुनना चाह रही. मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप तारीफ करें. भाई आपके मैके वाले हैं तो आपकी तरह अच्छे ही होंगे. ले जी आ गया आपका लाडला महका. क्या मतलब है, आप नहीं चल रहे साथ? नहीं, माँ कहती है ना ससुराल बार बार जाने से दामाद की इज्जत कटती है, बल्कि दो कौड़ी की रह जाती. बार बार की क्या बात है, आप तो एक बार भी नहीं आए. अम्मी और तलाल उस दिन भी कह रहे थे कि सैफी हमारे घर आता ही नहीं है. अभी तो चले चले ना. नहीं अब कोई दावत शावत होगी तब जाऊंगा ना, बिन बुलाए तो नहीं जा सकता, अच्छा नहीं लगता. चलो फटाफट उतर जाओ, मुझे एक दो काम निपटाने हैं. और हाँ मैं आज तुम्हें पिक नहीं कर सकूँगा. माँ मुझे कह रही थी कि शॉफर बन के हर वक्त अपने ससुराल के बाहर ना खड़े रहा करो. तो कोई भी तुम्हें ड्रॉप कर देगा, यहाँ काफ़ी लोग होंगे. इट विल बी ओके.
रोशनी क्या है भाई, तुम्हें क्या जरूरत है इतनी जल्दी जाने की? अभी तो हम घूमे भी नहीं है। एग्जाम सर पे हैं और पापा बिल्कुल अकेले हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। ओहो, तो पापा की बेटी को पापा की याद आ रही है? आराम से ना 3-4 साल गुजार कर आओगी अब तुम। नहीं ना, तुम्हारी शादी पे आऊंगी आफाक भाई को, और जल्दी से अपना कोर्स खत्म करके पाकिस्तान चक्कर लगाएं, ताकि मेरे पास एक और बहाना हो कराची आने का। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है समझी, और कोई एक रीजन नहीं बचा है ये जिसके लिए कराची आया जाए। फिलहाल तो यही रीजन है। लाली है शायद। अल्लाह का शुक्र है कि लाली की शक्ल देखने का भी मौका मिला, वरना मुझे तो लग रहा था कि वो रास्ता ही भूल गई। अब चलो, ड्रामे करती रहती है। मैं सैफुरहमान अंदर क्यों नहीं आया? वो उनको काम था, जल्दी जल्दी में निकल गए। वो हमेशा ही जल्दी में होता है। कोई हमसे नाराजगी वगैरह तो नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, आजकल काम के सिलसिले में इतना मसरूफ रहते हैं ना, वो वर्कलोड भी शायद ज्यादा हो गया। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, कल तुम्हारी सास से भी बात हुई थी, बहुत उखड़ी खुड़ी सी थी। क्या बात है बेटा, तुम खुश तो हो ना अपने घर में? खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। सैफी बहुत अच्छे हैं, बस मेरी सास का मिजाज कभी धूप तो कभी छांव हो जाता है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, दिल की अच्छी है वो। बेटे का मिजाज भी बिल्कुल माँ पे गया है। खुर्रम बता रहा था जब भी मिलता है गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है, दामाद नहीं जैसे बादशाह हो। आप ही तो कहती है ना, घर बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों की ज्यादा अहमियत होती है, एहतियात से लगानी चाहिए, चूक गए तो इमारत कमजोर हो जाती है। गुड़िया, घर बनाने के लिए मर्द और औरत दोनों की जरूरत होती है। अकेली औरत घर को जन्नत नहीं बना सकती, रवैयों को सह सकती है लेकिन बदल नहीं सकती, और जहाँ रवैये नहीं बदलते ना, वो घर कभी जन्नत नहीं बन सकते। बस मैं तो अब ऐसी एक बात कर रही हूँ, खुदा करे अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना दे। आमीन। अच्छा खाला जान, आप मुझे बताएं ना, इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही हैं? कम से कम रोशानी को ही छोड़ दें। हेलो, इसके अब्बा ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है कि आप भली रहना चाहती हैं तो रहें, मगर मेरी बेटी को फौरन वापस भेज दें। इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, और अगर एक दिन भी और ठहरेगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगा और इसको वापस ले जाऊंगा। हद हो गई, मैं तो आपके भाई से बहुत इंप्रेस हूँ, लेकिन भाभी खुलकर मुलाकात ही नहीं हो पाई, थोड़े मगरूर टाइप के लगे मुझे। तलाल के लिए तुम्हारी माँ ने लड़की वड़की भी देखी है? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। क्यों? तानिया को ध्यान में रखना ना, ये भी तो तुम्हारी बहनों जैसी है। हो गए ना फ्रेश, अब नीचे आ जाओ। साइमा कब से आई हुई बैठी है, किसी ने ना तो उसको चाय का पूछा है और ना ही पानी का। साइमा भी कह रही थी बिल्कुल गैर होके रह गया, अभी चंद महीने तो हुए हैं शादी को। सुनियारा सुनियारा। कैसी जा रही हैं माँ आपकी लाडली बहू बेगम? हाय बेटा क्या बताऊं, मुझे तो यूं लगता है जैसे सैफी उसी का होकर रह गया है, मर मिटा है उसकी मासूमियत पर। तभी तो कहती थी कि हसीन बहू ना लेकर आए, अपना सैफी तो यूं भी दिल का कमजोर है। हाँ चल हट, वो क्यों दिल का कमजोर होने लगा? नफ्स का। चुप भी कर तू, जैसे कहती तो तुम ठीक ही हो, दिखती तो मुझे भी वो बड़ी भोली भाली है। भोली भाली, ये जो भोली भाली दिखती है ना माँ, अंदर से बड़ी मीसनी होती है। देखिएगा एक दिन आपको भी इस घर से निकाल बाहर करेगी। है ऐसे कैसे, मैं क्यों निकलूं? अरे उसी को निकाल बाहर करूंगी। हाँ वैसे है कहाँ महारानी जी? बड़ी नंद आई बैठी है, इतना नहीं कि आके सलाम ही कर ले। तुम कौन सा सदियों में एक बार आती हो, हर दूसरे दिन तो आई हुई होती हो। वैसे उसके मैके के चोचले खत्म हुए तब ना बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। मातर माँ की आज सालगिरह है, वो क्या कहते हैं हैप्पी बर्थडे। मैके से तोहफों का ट्रक भर के आया है, एक लौंडा लेकर आया पता नहीं क्या कुछ।
मिठाई वहां पड़ी हुई है, तुम भी खा लो। और मिठाई के और टोकरे रखे हुए, जाते हुए बच्चों के लिए भी ले जाना। अम्मा, ये हमें सब नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये जताना चाहते हैं कि हम लोग तो मिडिल क्लास हैं और इन लोगों का बड़ा ऊंचा खानदान है। ये दिखाना चाहते हैं कि मौसूफा मैके में तो बड़ी लाडली थी, बड़ी मोहब्बतों में पली बड़ी है, और हम तो जैसे यहां पर से नफरतें दे रहे हैं। सुने, अभी सैफी आएगा ना तो आप उसे कह दीजिएगा ये क्या तौर तरीके हैं। शादी को 2-3 महीने हो चले हैं और ये मैके के चोंचले खत्म ही नहीं हो रहे। अब देखे ना, चंद महीनों में वो एक अदद बच्चे की माँ बन जाएगी। बस अच्छे से उसके कान भरिएगा, ये ना हो कि अंदर जाके खुद ही उसके नखरे उठाने लग जाए। वैसे अल्लाह का बड़ा करम है, अरे सैफी को भी अल्लाह एक खुशखबरी से नवाजने वाला है। माशाल्लाह। अरे हाँ, वो महिब ने भी छुट्टियाँ ले ली हैं, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। ये तो बहुत खुशी की खबर है, इसी बात पे मिठाई हो जाए। हाँ आओ तानिया बैठो। कितनी लकी हैं आप, इतने बाजौक लोगों में रहती हैं। अरे वाह, डॉक्टर होने के बावजूद आपके भाई तलाल का कितना उम्दा शौक है। डॉक्टर के साथ साथ अब सर्जन भी हो गए, और वाकई शौक सबसे आला है उसका। मैं तो आपके भाई से बहुत इंप्रेस हूँ, लेकिन भाभी खुलकर मुलाकात ही नहीं हो पाई, थोड़े मगरूर टाइप के लगे मुझे। देखिए, हम लोगों से कभी मिलने भी नहीं आए। नहीं नहीं तानिया, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली शादी के दिनों में बहुत बिजी था ना बेचारा, अभी हफ्ता ही तो हुआ था उसको लंदन से आए हुए। वैसे भी वो थोड़ा कम गो है, इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होता। जी, अंदाजा हो गया था हमें। माँ कह रही थी कि वो उन्हें हमसे अच्छी तरह मिलना चाहिए था। देखें, मैं तो खुद ही मिलने चली गई थी। ओहो, ऐसी क्या बात है, जब मैं जाऊँगी ना अगली दफा तो मैं अपने साथ ले जाऊँगी भाई, तफसीली मुलाकात करा दूंगी तलाल से। मिलोगी ना उसे पर्सनली, तुम्हें पता चल जाएगा बहुत अच्छा है वो। भाभी, आपको एक बात बोलूं? बोलो। जब से आपकी सैफी भाई से शादी हुई है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी जान छुट गई ना उस हारून से, वही आपा का देवर। आप पूछे ना भाभी, इतने बदजोक और इतने बच्चकल लोग, मैं तो उनको टॉलरेट नहीं कर सकती थी। और वो हारून इतना सड़ू और उतना ही बदशकल। आपा चाहती थी मेरी शादी हो जाए उस बच्चकल हारून से और सैफी भाई की शादी हो जाए सबूही से, लेकिन शुक्र है आप यहाँ पे आ गई। भाभी, आप मुझे एक बात बताएं, जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनकी शक्ल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमने उनको दिन से रात तक देखना होता है ना, है ना? अच्छा वो भाभी, ये कार्ड जो है ना मैं लेके जा रही हूँ, वो आपके भाई ने इतनी ज़बरदस्त पोइट्री लिखी है, मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Hello?
हेलो लाली, हाँ प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। अच्छा हाँ, ऑफिस से भी एक घंटा जल्दी निकला हूँ, तो प्लीज जल्दी से। हाँ चले सही है। खुर्रम मामू, अब मिला भी दे लाली को फोन। मिला रहा हूँ ना। हेलो लाली, आपको हमारे दिए हुए गिफ्ट्स कैसे लगे और कार्ड्स? सच्ची सारे गिफ्ट्स और सारे कार्ड्स बहुत अच्छे लगे मुझे। अच्छा ये बताओ, ससुराल वालों ने क्या दिया? बताना जरूरी है क्या? हाँ भाई, हम तो गैर हो गए और वो तो अपने हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब सीक्रेट कहाँ शेयर करोगी हमसे? लाली चले आप ये बताएं कि आपको मेरा गिफ्ट और कार्ड कैसा लगा? बहुत 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 पसंद आया। अच्छा लाली, अब क्या सारी बातें फोन पे बताऊं? जब आओगी तो बताऊंगी। ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन था? हिना थी। अच्छा क्या कह रही थी हिना? जो वो कहती है शरारते करना। वैसे ही मुझसे पूछ रही थी कि आपने मुझे क्या तोहफा दिया। क्या गिफ्ट लोगी मुझसे? मैं तो जेलस हो गया हूँ तुम्हारे इतने गिफ्ट्स और कार्ड्स देखकर, मेरे गिफ्ट की तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। आपको जेलस होने की क्या जरूरत है? इन सब तोहफों से ज्यादा कीमती मेरे लिए वो दो जुमले होंगे जो प्यार से आप मुझे कहेंगे। वैसे भी लड़कियों को और क्या चाहिए होता है? जिनसे वो प्यार करती है ना, उनका हर लफ्ज़, हर जुमला इन सब चीज़ों से बहुत बढ़ के होता है। उनकी हर बात पे ईमान ले आती हैं वो। वाह भाई, हमारी बीवी तो शायरा हो गई। और ये अदना सा तोहफा, आपकी नज़र। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। और आप ऐसे ही उसको अदना सा तोहफा बोल रहे हैं? आपकी दी हुई कोई भी चीज आम नहीं हो सकती मेरे लिए, बल्कि बहुत ज्यादा खास होती है। की गर्दन पे सच कर तो इसकी कीमत बढ़ गई। नहीं, आपके जज्बे ने इसे कीमती बना दिया। अच्छा चलो फटाफट तैयार हो जाओ, तो मैं एक सरप्राइज देता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह चलेंगे और डिनर भी बाहर करेंगे। आ जाए। हाय अम्मी। ए सैफी, ये माँ का झूला क्या घर से बाहर रखा हुआ है जो तुम्हें आते जाते माँ दिखाई नहीं देती है? ऊंट की तरह मुंह उठाए कमरे में सीधा चले आते हो। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत थकन हो रही थी, सोचा फ्रेश होके आपसे मिलता हूँ। हो गए ना फ्रेश, अब नीचे आ जाओ। साइमा कब से आई हुई बैठी है, किसी ने ना तो उसको चाय का पूछा है और ना ही पानी का। साइमा भी कह रही थी बिल्कुल गैर होके रह गया, अभी चंद महीने तो हुए हैं शादी को। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल आज। अच्छा चलें, आप साइमा को बिठाइए, मैं हाथ मुंह धोकर आ जाऊं। साइमा खाना तुम्हारे साथ ही खाएगी, बस जल्दी से आ जाओ। क्या ख्याल है भाई, मुझे लगता है डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा वरना अम्मा को हंगामा खड़ा कर देंगी। कसूर उनका भी नहीं है वैसे, मुझे उनके कमरे में जाना चाहिए था पहले, मैं तुम्हारे चक्कर में सीधा इधर आ गया। तुम
तुम भी ख्याल किया करो, सायमा का दिल बहुत छोटा है, फौरन दिल में बात रख लेती है। वैसे भी हमारे ताल्लुक की वजह से उनके घर में कशीदगी पैदा हुई है ना। मैं खाना लगा देती हूँ, आप भी बाहर आ जाएं। अच्छा सुनो जी, ये जो लॉकेट है ना, ये उतार के जाना, वो वरना सायमा हंगामा खड़ा कर देंगी। और मैं बस फ्रेश होके आता हूँ। अरे बेटा बैठो ना यहाँ मेरे पास। अच्छा, वो तुम्हारी अम्मा को फोन किया था मैंने और तुम्हारी खुशखबरी सुना दी थी, बड़ा खुश हो रही थी। मैंने कहा सैफ के हाथ मिठाई भिजवा रही हूँ, कहने लगी अरे छोड़े आप, तकल्लुफ रहने दे, मैं खुद खुर्रम के साथ मिठाई लेकर आ जाऊंगी। अब देखो ना, वरना मैं तो मिठाई भिजवा ही रही थी ना। माँ दो भाइयों की इकलौती बहन है भाभी, चीजें तो बहुत सारी भेजेंगी आंटी हमेशा की तरह। अरे माँ तो जितना भी बेटी को दे कम है। अरे हाँ, वो तुम्हें सैफी ने बताया कि मुहिब सऊदीया से आ रहा है। मैं तुम्हारी शादी पे से छुट्टी नहीं मिल सकी थी ना, अब डेढ़ साल बाद वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। जी बताया था उन्होंने मुझे, बहुत खुशी हुई मुझे। अरे पता, मैं ये सोच रही हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। अरे कम से कम मंगने के बगैर तो वापस नहीं भेजूंगी। अच्छी बात है। अरे बाकी ये है कि तुम्हारी मरहूम बहन की बेटी, वो क्या नाम था उसका, हाँ है ना, अरे मुझे बड़ी भाई है, मिजाज की भी बड़ी अच्छी मालूम होती है। तानिया बड़ी तारीफें कर रही थी। मेरे कहने का मकसद यह है कि मुझे मुहिब के लिए बड़ी पसंद आई है। और तुम अपनी माँ के कान में भी ये बात डाल देना, मुहिब पाकिस्तान आ रहा है ना। मुहिब ने ना शादी की वीडियो और तस्वीरें देखी हैं, उसमें हिना की भी तस्वीरें थे, उसे बड़ी पसंद आई है। माँ मैंने व्हाट्सएप पे उसे तस्वीरें भेजी, मुझे तो लगता है कि सबकी सब पसंद आ गई है, शायद इसीलिए वो भाग चला आ रहा है। अरे बेटा अपना मुहिब है ना, वो सैफी से ज्यादा पढ़ा लिखा है और सऊदीया में नौकरी करता है, रियाल में तनख्वाह लेता है। अरे बस यूं समझो कि तुम्हारी माँ को कमाऊपू दामाद मिल गया। जी मुझे बताया था सैफी इस बारे में। हाँ यूं तो मुहिब के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, पर मैंने सोचा कि देखा भाला खानदान है और लड़की भी मुनासिब है। बेटा एक बात तो बताओ, तलाल के लिए तुम्हारी माँ ने लड़की वड़की भी देखी है? नहीं माँ अभी तक तो नहीं, क्यों? तानिया को ध्यान में रखना ना, ये भी तो तुम्हारी बहनों जैसी है। सोच रही हूँ कि हिना ब्याह कर इस घर में आ जाएगी और तानिया ब्याह कर सिकंदर वेला चली जाएगी, अरे हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब देखो ना, सायमा के देवर हारून के साथ तानिया का रिश्ता तकरीबन तय था, मगर सैफी ने तुम्हें किसी शादी में देख लिया, हमारे सर हो गया, वरना अब तक तो तानिया भी ब्याह ही जा चुकी होती। खैर चलो, हारून ना सही तलाल सही। अरे हाँ,
तुम्हारी अम्मा दावत का पूछ रही थी, इनसे कह देना कि जुम्मेरात को मुहिब आ रहा है, जुम्मा ठीक रहेगा। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारे घर में ये पहली बड़ी दावत है, और खैर से तुम्हारी उम्मीद की खबर पे भी तुम्हारा पूरा मेगा बड़ा खुश है। अरे दावत तो शानदार होगी ना, और मुहिब पर भी तुम्हारे मेके का रूप पड़ जाएगा। हाय हाय, अरे बातों में तो ये चाय ठंडी हो गई। मैं गर्म करके ला दूँ आपको? हाँ कर ही दो। बस सीधा आए और कमरे में चल दिए, जैसे वही तुम्हारा किबला है। माँ तो दिखती नहीं ना तुम्हें? बहुत थक गया हूँ मम्मी। अरे माँ से सलाम दुआ करने में थकन ज्यादा बढ़ जाएगी क्या? यहाँ आओ बैठो, बात करनी है तुमसे। अच्छा दो मिनट दे, मैं फ्रेश हो क्या? अरे लंबी बात नहीं है, दो घड़ी इधर आके बैठो। अच्छा सुनो, तुम्हारी बीवी के कान में मैंने मुहिब और हिना के रिश्ते की बात डाल दी है। तो क्या कहा उसने? अरे उसने क्या कहना है, अब वो मेके जाके बात करेगी। मैंने सोचा है कि दावत वाले दिन मुहिब को लड़की दिखा दूं, और हाँ तुमसे भी मैंने यही कहना है कि तुम भी जरा रिश्ते के लिए लाला रुख पर दबाव डालो, और अपनी सास पर भी। भैया आखिर तुम उस घर के अकलौते दामाद हो। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप, दबाव डालने की क्या जरूरत, वो क्यों मना करेंगे, मुहिब में क्या कमी है, छोटा भाई है मेरा, आखिर चांद सी बेटी भी तो दी है ना, तो भांजी क्यों नहीं देंगे। अच्छा जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, और अपनी चांद सी बीवी से कहो कि खाना लगा दे। नानो देखे जरा कौन आया है। आपको पता है लाली सिर्फ ये देखने आई है कि इनके ससुराल वालों की जो दावत है ना उसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए और इज्जत में कोई फर्क भी ना पड़े। ये मोटी बातें कितनी करती है ना, मुझे पता है तुम्हारे होते हुए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा और नहीं तो क्या, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? तुम बेफिक्र रहो लाली, मैं और हिना जान लगा देंगे तुम्हारी दावत की तैयारियों। अम्मा वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अंदर चलेंगी? मेरी सास ना ऐसे ही अचानक हमला कर देती हैं, और तुम हमेशा की तरह हाथ पांव छोड़कर बैठ जाती हो। आप मेरा यकीन करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनको बोलूं क्या। आपकी अम्मी ने कहा था कि तलाल आएगा, खुरम भाई आए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आने से उनकी शान में कमी आ जाती है क्या? क्या कह रहे हैं, कैसी तबीयत है? उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अल्लाह खैर। मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हारी माँ ने इनकार ही करना था तो क्यों इतने दिन हमसे खेलती रही, और तुम गुंगी का गुड़ खाए बैठी रही? कौन सा बदला लिया है हम